हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुनीता ब्लॉग चैनल टू में। और कैसे हैं फ्रेंड आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी, पूरा नहीं। तो फ्रेंड, आज टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या वीडियो लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो है, ऐसा कुछ कॉन्टेंट नहीं है, बस सिर्फ ये जो है ये ऑक्सीजन मास्क है मेरे पास, ब्लैक रबर ऑक्सीजन मास्क है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मास्क का नाम, तो ये है। पहले मैं इस पे काफी वीडियो बनाती थी, बहुत ही सारे, लेकिन अभी वीडियो नहीं बना रही हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो काफी सारे कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे इंस्टा पे भी कि आप इसके बारे में बताइए, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं। तो आज छोटा सा मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये है ब्लैक रबर ऑक्सीजन मास्क। एक नेबुलाइजर होता है वो भी है मेरे पास, तो उसका वीडियो फिर कभी शेयर करूंगी, आज मैं इसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसका मशीन भी आता है, जैसे मैंने आयुषी का वीडियो शेयर किया था ना, जैसे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो हमने भाप दिलाया उसे, बस ये भी उसी तरीके का है, ऑक्सीजन मास्क है, निमुलाइजर टाइप से ही है। तो इसका जो है मशीन नहीं है मेरे पास, बस ऐसे ही मैंने इसे एक्ट में जब करती थी क्लोरोफॉर्म वगैरह वो सब के लिए मैंने ये लिया हुआ था। तो इसे यूज कैसे करना है ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और साथ ही एक वीडियो भी शो होगा कि इससे हम ब्रीथिंग कैसे कर सकते हैं। और इसमें जो है हमें सांस लेने की, जैसे बहुत लोगों को रुक रुक के सांस आती है, अटक जाती है, तो एक प्रैक्टिस टाइप से हो जाता है कि हम कैसे ऊंची ऊंची सांस ले सकते हैं। ये इसमें एक मुझे तो एक मतलब जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की निमुलाइजर इससे, तो पहले मैं भी थोड़ी देर चलती थी ना, पूरा हाँफ जाती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन फिर किसी ने आइडिया दिया कि जोर जोर से इसमें सांस लेने की कोशिश करना है और सांस को ऊंची लेना है, फिर धीरे से छोड़ना है मुंह के द्वारा, नाक से लेना है, मुंह के द्वारा छोड़ना है। तो काफी हद तक सुधार हुआ, और इसमें हमें एक प्रैक्टिस टाइप से भी हो जाता है कि किस तरीके से हम, अगर ऐसा कभी सिचुएशन आता है तो हम सांस ले सकते हैं, है ना। तो बस ये वाला मास्क मुझे आप लोगों को दिखाना था। और ये देखिए इसके साइड में ये जो है ना 1 2 3 4 5 बने हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ यहाँ बांध सकते हैं, कोई भी नट लगा सकते हैं, या तो यहाँ यहाँ। तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो ये देखिए ये रिबन है ना, तो बस रिबन से ही मैं ये दोनों साइड पे इस तरीके से इसे लगा देती थी, और दो रिबन है इस टाइप से, ताकि आराम से हमारे नाक पे सेट हो जाए। ये देखिए ये जो होल है ना, ये यहाँ आना चाहिए, तो इसे हम इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए, और पीछे की तरफ हम नट लगा देंगे। ये छोटा है, लगेगा नहीं, ट्राई करते हैं, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से आपको ये हॉल बना हुआ है, यहां से सांस आएगी। और आगे एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए पेश है कि किस टाइप से हमें ब्रीथिंग करना है। तो चलिए आप उस वीडियो को एंजॉय कीजिए, फिर मैं आके आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए इस पहले जो है ना, इसमें से अगर रस्सी निकल जाएंगे तो पहले हम इसे लगा लेते हैं, और इस टाइप से इसे मुंह में लगाना। मैं बेड पे आपको दिखा रही हूँ सो के, आप प्रॉपरली देखिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैं इसे लगा रही हूँ, और इसे हम पीछे बांध लेंगे। देखिए आप प्रॉपरली देखिएगा, मैंने इसे पहन लिया है, आप चाहे तो यहाँ पकड़ भी सकते हैं, और अभी ब्रीदिंग करना है इसे। खींचना है और धीरे धीरे हमें नीचे की तरफ फिर छोड़ना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे प्रॉपरली ब्रीथिंग कर रही हूँ, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। Yeah.
चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। और जैसा मैंने सका मैं ब्रीथिंग वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, कुछ गलती हुआ होगा तो माफ करना फ्रेंड, फुल इंजॉय करना और फुल वॉच करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो फ्रेंड मैंने अपनी तरीके से कोशिश की है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आप लोगों को। मेरी कोशिश ये हमेशा यही रहती है कि मैं अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने मतलब प्रेजेंट करूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या तो यूट्यूब को, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ। नहीं तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो लोग जानते हैं कि सुनीता कैसा एक परफॉर्म करती थी। एक टाइम था कि क्लोरो और मास्क ब्रीथिंग में सबसे हाई पे मेरा ही वीडियो आता था और एक कसारिका करके उनका वीडियो आता था, लेकिन अभी हम लोगों ने क्लोरोक्ट बनाना बंद कर दिया है, मतलब चैलेंज वीडियो बनाना ही बंद कर दिया है। यूट्यूब को इससे प्रॉब्लम होता है और हमारी मेहनत बेकार हो जाती है, बस इसीलिए। तो आज का वीडियो वैसा कुछ नहीं था, बस ये मास्क के बारे में मैं बताना चाह रही थी और छोटा सा ये कॉन्टेंट था। तो कमेंट आप लोग जरूर करना कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छी लगी होगी तो फिर इस तरीके का मैं वीडियो जैसा होगा कंफर्टेबल मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दिया करूंगी। तो फ्रेंड चलिए सुनीता फिर से मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को फुल वॉच के साथ एंजॉय कीजिए। कभी भी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम होता है ब्रीथिंग का आप लोगों को, तो बस ये हॉस्पिटल वगैरह में न्यूमोलाइजर या तो इस टाइप का मास्क शायद दिया जाता होगा, तो उस समय आपको जोर जोर से ब्रीथिंग करना है, बस जैसे कि वीडियो में बताया गया है ना। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।